और बताओ क्या खर्च तो आएगा हम लोग क्या नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सर लोगों के सूचना पर आए हुए हैं, कहाँ है असिस्टेंट कमांडो के सर के बंगलों में आए हुए एक सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और बारिश का बहुत ज्यादा मौसम चल रहा है और अभी तुरंत हमारे इधर पंचायत डैम में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो वहीं पर एक सांप देखा गया है। तो यहाँ दिखाइए, पहले कैमरामैन इधर आइए, देखिए किस प्रकार से सांप मूव कर रहा है, जूम कीजिए। इसी को हम लोग नाग गेहूं और खरीस के नाम से जानते हैं, इसको जूम करके लीजिए। सांप नहीं, सांप के नाम से बहुत ज्यादा डर है, भय है और आतंक है। आप लेते रहिए, देखिए किस प्रकार से वो मूव कर रहा है। देखिए यहीं पर दिखाइएगा, हाँ देखिए अपना रूप में आ गया नाग सांप। दोस्तों सांप नहीं, सांप के नाम से डर है, भय है और आतंक है। इसी को नाग गेहूं कहीं कहीं फिटार और खरीस के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए आपसे फिर से एक बार रूबरू करवाते हैं, जिसका आपका इंतजार है उसी को हम लोग सांप के नाम से जानते हैं, रेप्टाइल के नाम से जानते हैं। इसके काटने पर ज्यादा कुछ होता नहीं है सर, इसके काटने पर ज्यादा कुछ होगा नहीं। अच्छा। बस आदमी मर जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, नहीं ज्यादा कुछ होगा नहीं, बाकी क्या रहेगी और का खेत हो रही। सर आप लोग पीछे आ जाइए ना, थोड़ा आप लोग का भी आ जाएगा। बड़ी खतरनाक है भाई, पीछे आ जाइए सर, आप लोग पीछे आइए ना, इधर से आऊं कोई दिक्कत नहीं, उधर से जाइए। इसका जो फन है, इसका फन को एक बार कैमरामैन गौर करके लीजिए, देखिए इसका फन कटा हुआ है। चूहा से मंगूस से इसका लड़ाई होता है और लड़ाई के दौरान क्या होता है, इसका फन में वार करता है। चूहा जो है इसका फन में ही वार करता है, वार करने के दौरान इसका फन जो है कट जाता है, देखिए वो कटा हुआ है। दिखाई मिल रहा है कैमरामैन, कटा हुआ। धूप हो, बारिश हो या फिर आंधी आए, तूफान आए, हम लोग 24 घंटा रेडी रहते हैं सांप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि सांप बचाइए पर्यावरण बचा रहेगा। सांप अगर नहीं रहेगा इस दुनिया में तो पर्यावरण खत्म होने स्टार्ट होगा। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी सांप किसी को बिना वजह से परेशान नहीं करता है, जब तक आप छेड़खानी नहीं करते हैं तब तक परेशान नहीं करेगा। आज के डेट में सर इंसान से डरिए, सांप से नहीं, क्योंकि बिना बजाए जानवर कोई भी एनिमल हो जाए आपको दिक्कत नहीं पहुंचाता, क्योंकि देखिए ये लोग बेजुबान होते हैं और अगर सांप के साथ आप बदमाशी करते हैं तभी आपको सांप डसता है, ऐसे सांप आपको डसेगा नहीं। ओनली फॉर रेडिएशन, वाइब्रेशन, ध्वनि तरंग, वायु तरंग को फील करता है सांप। और अपना जूता नहीं पहने हुए क्योंकि सर लोग बहुत हड़बड़ी में थे, तुरंत आइए नहीं तो सांप भाग जाएगा, इसलिए कि ये देख लिए थे ना इसका। तो हमारे चैनल में दोस्तों अगर नया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब, साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, सांप का लिए हमारा नहीं, कृपया करके बेल बटन प्रेस कर दे ताकि जीव जंतु सांप रेप्टाइल एनिमल से जुड़ा हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक हमेशा के लिए पहुंचता रहे। और दोस्तों ये जो सांप है इसको हम लोग गेहुआ नाग, गोल्डन नाग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि गोल्डन कलर का है ये जो सांप है, ये गोल्डन कलर का है। और गेहुआ नाग भी बहुत बहुत जगह कहते हैं, टच होते ही ये अपना काम कर जाएगा। आप आइए एक बार देख लीजिए, साथ देखते आपका एक बार सबका लूं, हां तो फोटो साहब भेज दिया, फोटो भेज दिया, देख लीजिए कैसे कैसे। हां सर, नहीं पकड़ ले, पकड़ लिया सर, फोटो देख लीजिए सर कैसे। देखिए टच होते ही ये बड़ा अपना काम कर जाता है। और इसमें
न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है जो डायरेक्ट नीरो में जाके असर करता है, और करने के बाद आदमी आहिस्ता आहिस्ता कोमा में चला जाता है, और कोमा में जाने के बाद सुबह उठकर क्या होता है, उसके फोटो में अगरबत्ती लगना निश्चित है। इसीलिए हम लोग का तरह सांप को हैंडलिंग करने का कोशिश ना करें, क्योंकि हम लोग सांप के बारे में आए दिन नया नया चीज़ सीखते रहते हैं, और एक दिन से नहीं बहुत सालों से सांप को रेस्क्यू कर रहे हैं दोस्तों। पूछ कटा हुआ सुझे? हाँ, पूछ कटा हुआ है। देखिए हम फिर बता रहे हैं, मंगूस और चूहा से माउस होता है, मंगूस होता है उससे दिखाइए, पूछो दिखाइए, उससे लड़ाई होता है, और वो लड़ाई के दौरान सांप के पूछ में ही चूहा जो है वार करता है। सर आप उधर भी देखिए, नहीं तो इधर ऊपर से कर लीजिए। सांप काटने पर आप कहाँ जाएं? डायरेक्ट सरकारी सदर अस्पताल, आपको एक ही चीज बचा सकेगा, क्या? एवीएस एंटी वेनम सीरम। लोग झाड़ फूक ओझागुनी के चक्कर में चले जाते हैं दोस्तों, ओझागुनी जिंदगी कर देगा आपका, सुनिए। इसलिए ओझागुनी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, नहीं तो क्या होगा, जान से फिर दोस्तों हाथ धोना ही पड़ेगा। फिर से एक बार कहना चाहते हैं CISF के, क्या बोले सर, असिस्टेंट कमांडेंट ना, उनके घर में निकला हुआ था ये सांप। और देखिए सर लोग सांप को मारते नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने एरिया से भी दूर दूर जाकर फ्री सेवा देते हैं, क्योंकि सांप को बचाना है, सांप को पर्यावरण के लिए सेव करके रखना है। फिर से एक बार इसका जो फन है उसको गौर कीजिए आप लोग। पूरा लीजिए, आपका वहीं पर बैठ कर रहिए सर लोग को, लो वहीं से लो, जूम करके बैठ कर। जब तक सर सांप के ऊपर दबाव नहीं पड़ता है, आप अंधेरी रात में जा रहे हैं, क्या होता है सुनिए सर, अंधेरी रात में कहीं जा रहे हैं तालाब पोखर या फिर बांध, और इसके ऊपर चापा गिरते ही ये काट लेगा, और काटने के बाद फिर से एक बार कहना चाहता है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस आदमी मर जाएगा। अच्छा पूछ नहीं है, एक बार पूरा लीजिए इसका फिर से। अच्छा काटने के बाद हॉस्पिटल में तुरंत ये हो जाता है? हाँ हॉस्पिटल जाइए, अगर आप झाड़ फूक ओझागुनी के चक्कर में जाते हैं तो फिर मरना पड़ेगा सर। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल में अगर फिर से कहना चाहते हैं नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले। इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका दोस्त भाई बंधु मिलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।